नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्वीन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए। योग गुरु बाबा रामदेव ने एलोपैथी से कोविड 19 का इलाज नहीं होने को लेकर की गई अपनी कथित टिप्पणी को लेकर विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शिकायतों के आधार पर बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों में एफआईआर दर्ज की गई है। आईएमए के पटना और रायपुर चैप्टर ने रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनकी टिप्पणियों से कोविड 19 नियंत्रण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि उनके द्वारा प्रभाव की स्थिति में फैलाई गई गलत सूचना लोगों को महामारी के खिलाफ उचित उपचार का लाभ उठाने से रोक सकती है। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब वे चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने। अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में रामदेव ने एफआईआर के संयोजन और समेकन और उन्हें दिल्ली में स्थानांतरित करने की मांग की। अंतिम राहत के तौर पर उन्होंने एफआईआर में जांच पर रोक लगाने की भी मांग की है। एफआईआर में आईपीसी की धारा 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत रूप से घोषित आदेश की अवज्ञा, 269 जीवन के लिए खतरनाक बीमारी के संक्रमण फैलने की लापरवाही से कार्य करना, 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्य प्रावधानों के तहत अपराधों का उल्लेख। और आप ट्रेंड में हमेशा जेड टॉप पर पहुंच जाते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना को अधिसूचित किया, जिसके तहत कोविड 19 के कारण परिवार के सदस्यों को खोने वाले प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और अगर मृतक परिवार का इकलौता कमाने वाला था तो 2,500 रुपए प्रति माह अतिरिक्त दिया जाएगा। योजना के लाभार्थी दिल्ली के निवासी होने चाहिए। इस योजना के किसी भी घटक के तहत मुआवजे के लिए आवेदन करने के लिए कोई आय मानदंड भी नहीं है। अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में नामांकित करने पर भी विचार करेगी। इसके अलावा राज्य मौजूदा नीति के अनुसार आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। कोरोना की वजह से उनकी मौत हो गई तो मैं समझ सकता हूं कि परिवार पे जो गुजर रही है उसकी वजह से। और दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन खंडपीठ सीसीआई की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार करने वाले एकल पीठ के आदेश के खिलाफ व्हाट्सएप और उसकी मूल कंपनी फेसबुक की अपील पर सुनवाई कर रही थी। व्हाट्सएप की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश सालवे ने कोर्ट से कहा कि वे अवकाश पीठ का रुख कर रहे हैं क्योंकि उन्हें 4 जून को सीसीआई द्वारा जांच के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए नोटिस दिया गया था और जानकारी देने की समय सीमा कल समाप्त हो गई। इस तरह की जानकारी जमा नहीं करने पर व्हाट्सएप पर वैधानिक जुर्माना लगाया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को न्यूज क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पूर कायस्थ और पीपी के न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को 5 जुलाई 2021 अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। पूर कायस्थ के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धन शोधन मामले में केस दर्ज किया गया है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एकल पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को सोमवार पोर्टल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। अदालत ने न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के खिलाफ उसके द्वारा दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट ईसीआईआर की प्रति मांगने वाली याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से भी जवाब मांगा और ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को गुजरात निषेध अधिनियम 1949 के तहत राज्य में शराब के निर्माण, बिक्री और खपत पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच की सुनवाई पर
मनमानापन और अधिकार के उल्लंघन के आधार पर आदेश सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने 3 दिनों के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। राज्य ने चुनौती पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थी। इसने कहा कि हाईकोर्ट बॉम्बे और अन्य FNL बलसारा मामले में जहां अधिनियम की धारा 12, 13 शराब के निर्माण बिक्री और खपत पर प्रतिबंध की वैधता को बरकरार रखा गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि एक विदेशी राज्य एक वाणिज्यिक लेनदेन से पैदा हुए एक मध्यस्थ अवार्ड के प्रवर्तन के खिलाफ नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 86 के तहत संप्रभु प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता है। जस्टिस JR मिधा की सिंगल जज बेंच ने कहा, एक वाणिज्यिक लेनदेन से पैदा होने वाले अनुबंध में, जैसे कि मौजूदा याचिकाओं में शामिल लेनदेन में है, एक विदेशी राज्य अपने खिलाफ किए गए मध्यस्थ अवार्ड के निष्पादन को रोकने के लिए संप्रभु प्रतिरक्षा की मांग नहीं कर सकता है। एक बार एक विदेशी राज्य एक वाणिज्यिक इकाई बनता है तो ये वाणिज्यिक कानूनी परिस्थिति की तंत्र के नियमों से बाध्य होगा और किसी भी प्रतिरक्षा की मांग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो अन्यथा केवल तभी उपलब्ध है जब वो अपनी संप्रभु क्षमता के कार्य कर रहा हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करने के अलावा बुधवार को अधिनियम 2021 को चुनौती देने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया। ये ध्यान दिया जा सकता है कि अध्यादेश को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को अधिनियम को चुनौती देने वाली एक नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया है। हालांकि अधिनियम की अधिसूचना के बाद दायर की गई याचिकाओं को जवाबी हलफनामा और प्रत्युत्तर दायर करने का समय दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक छात्र को जमानत दे दी जिस पर कोविड वैक्सीन नैदानिक परीक्षा नियमों का उल्लंघन करने और आवश्यक दस्तावेजों कागजात अनुमति के बिना कथित तौर पर वैक्सीन लगाने में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव की पीठ ने MNC के चौथे सेमेस्टर के छात्र सुधाकर यादव को जमानत दे दी है, जो हिमगिरी जी विश्वविद्यालय देहरादून उत्तराखंड के संस्थान में नैदानिक अनुसंधान का अध्ययन कर रहा है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय TV के साथ। नमस्कार।